हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैंने ना अपनी पंच में रिसेंटली दो चीज़ें अपग्रेड कराई थी, बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। मैं परेशान हो गया था एक पॉइंट पे। तो बेसिक्स ही हैं, 700-750 रुपये के अंदर आपको भी हो जाएगा। अगर आपके पास पंच है देख लो पूरी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा। कहाँ से कराया, कितने में कराया, कौन सी क्वालिटी का कराया, सब आपको बताने वाला हूँ। कैसे कराया पूरा ओवरऑल। तो उनमें से एक चीज़ तो ऐसी है जो गाड़ी की ओवरऑल प्रेजेंस है ना, चाहे वो रात के टाइम में हो या दिन के टाइम में हो, बदल देती है। बिकॉज बहुत से लोगों का DRLs का बजट नहीं होता, DRLs लगती मस्त है, तो उसका एक अल्टरनेटिव बोल सकते हो। और अंदर एक चीज़ अपग्रेड कराई है, उससे तो भाई तंग आ गया था मैं। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ इस वाली पंच में क्या मैंने अपग्रेड कराया। तो यस, सबसे पहली चीज़ भाई एडवेंचर वेरियंट में ना पायलट लैम्प यहाँ पर येलो कलर हैलोजन में दिया है। ये चीज़ मैंने अपग्रेड कराई है वाइट कलर के बल्ब में, LED बल्ब में। तो ये एक अपग्रेड मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब जो दूसरा अपग्रेड है भाई, जो किसी काम का नहीं है पंच में, वो है भाई ये लाइट। ये लाइट है ना बिल्कुल भी काम की नहीं है, सिर्फ आगे आगे एक लाइट रखती है, पीछे वाले कैबिन में तो बिल्कुल नहीं आती। तो ये कराने से अपग्रेड है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तो अभी सीधा वीडियो में जाते हैं, कहां से कैसे वो सारी चीजें आपको उस पूरी डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। सो देखते हैं मॉडिफिकेशन। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। छोटी सी मॉडिफिकेशन है, बजट वाइज है, 700-750 रुपए में काफी बड़ा डिफरेंस बना देती है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो भैया यहाँ पे छोटे वो बल्ब निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके पायलट लैंप आ जाते हैं। कंपनी बहुत ही छोटे बल्ब देती है और एकदम लो पावर के देती है। मैंने यहाँ पे ये वाइट LED बल्ब सेलेक्ट किए हैं, जो कि पूरा DRLs वाला लुक देने वाले हैं गाड़ी को। मैं आपको बाहर से भी दिखा दूंगा गाड़ी क्या लग रही है और क्या नहीं, बट ये जो मैं बता दूँ एक अच्छी क्वालिटी के, एकदम टॉप क्वालिटी के हैं। प्राइस भी बता देता हूँ, 250 रुपये के हैं ये, जो आपका लेफ्ट राइट जो सेट आता है, ठीक है, दो में। तो अब ये साइड वाला देख लो एक बार, यहाँ पे भैया अभी निकाल देंगे बल्ब, ठीक है। इसी में आपके जो कंपनी के बल्ब होते हैं ये कुछ साइज़ के हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं और वो गर्म भी था खैर। तो यहाँ पे अपने लग जाएंगे वाइट LED, ठीक है, और बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। आपका सिर्फ वो सॉकेट में जाता है और यही चीज़ आपकी वापस अंदर चली जाएगी। कहाँ से कराया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या करेंगे ना, ये गाड़ी की लुक्स काफ़ी एनहांस कर देंगे। आप दिन के टाइम में भी इसे ऑन करके चलाओगे ना, ऐसा लगेगा एकदम DRL वाला फील ही है, ठीक है। जिनका बजट नहीं है इतना ये खर्चा करने का, वो ये चीज़ कर सकते हैं। ये देखो कितने छोटे बल्ब दिए हैं यहाँ पे, ये दो छोटे से बल्ब दिए थे येलो कलर में, जो आपके पायलट लैंप आते हैं ना। अब देखो भाई, अब लग रही है ना, हुई कि नहीं पूरी की पूरी लुक चेंज। ध्यान से देखो अभी गाड़ी को, मैं इंडिकेटर भी बंद करके लास्ट बताऊँगा। अब अंदर पर आ जाते हैं कि ये जो कैबिन लाइट है भाई, ये मेरी नीड है, ठीक है। इससे कोई, इससे लुक तो खैर चेंज होती होती है, बट इसको भी देखते हैं। तो जो अपने आगे पायलट लैंप में छोटे छोटे बल्ब दिए थे ना, जो मैंने आपको दो दिखाए थे, वही सेम बल्ब इसमें यूज़ किया है। इनका थ्रो इतना वीक है ना सच में, इसकी कैबिन लाइट पहली बात तो बहुत छोटी सी दी है और आगे की तरफ दी है, पीछे तो रोशनी ही नहीं आती उसकी। तो भैया ने सीधा वो जो कपलर है उसको डिटैच किया है, अब वो अपनी शॉप में ले गए। ये देखो बिना हैजार्ड लाइट के गाड़ी कैसी दिखती है, ठीक है, आ रही है ना पूरी वो DRL वाली फील, ठीक है। बहुत पास से पता चलता है कि बल्ब लगाए हैं, वरना पूरा पूरा DRL वाला फील आ रहा है। मैंने ये देखो ब्राइटनेस भी लो करके आपको दिखाया था, पास से अगर दिखाऊं तो बल्ब पता चलता है, वरना तो पूरा भाई ये DRL वाला लुक ही दे रहा है, समझ रहे हो। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 250 रुपये में गाड़ी की पूरी लुक ही चेंज हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई जो कैबिन लैंप था उसके लिए क्या है ना, पंच में स्पेस नहीं होता है कैबिन लाइट में अगर कोई बल्ब लगाना है आपको। तो मैंने बल्ब इसका सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने एक पूरी वो स्ट्रिप चूज़ की थी और ये यहाँ पे कुछ स्ट्रिप है। इसकी पूरी हाउसिंग खुलती है, ठीक है, वो जो भैया निकाल के ले गए थे ना गाड़ी में से, वो पूरी डिटैच होती है, खोलते हैं वो लोग स्क्रू से और उसके अंदर आपकी लगती है ये लाइट, ठीक है। कोई भी वायर कट नहीं की है, सीधा कपलर आपका उसमें लगाया गया है, वायरिंग कोई वायर कट नहीं की है, भरोसा करो मुझ पर, मैं झूठ नहीं बोलने वाला आपको। क्योंकि देखो भाई ये चीज़ों में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनी को 2 सेकंड नहीं लगता आपका, जो भी आगे कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो सारी आपकी वारंटी धरी की धरी रह जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा जो वो वाइट LED स्ट्रिप थी वो इसमें लगाई, अच्छी क्वालिटी की है, ये भी मैंने एकदम टॉप क्वालिटी की ली है। 350 रुपये इसका प्राइस है। अब आप अंदर से देखना जब ये लगेगी ये किस तरीके से लगेगी। अब सिर्फ इनके स्क्रूज़ को लगाना है यहाँ पे, पहले तो लाइट को प्रॉपरली अलाइन करना है, ठीक है, तरीके से ये यहाँ पे कर देंगे,
ये देखो ये फिक्स हो गया। अब ये यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे इसके चार, और ये जो वायर सी बाहर आ रही है ना यही आपके अंदर वो गाड़ी के कपलर में लगेगी। अंदर इसमें कोई भी वायर कट नहीं की है, सिर्फ जो बल्ब आपको कंपनी दे रही थी ना उसकी जगह पे वो स्ट्रिप लग गई, समझ रहे हो, ये यहाँ पे ये चीज़ लग गई। अब एक बार अंदर भी चल के देख लेंगे क्या इनका थ्रो है और कैसा सब हिसाब है। और एक चीज़ उसके अलावा मैं बता दूं, जो जहाँ से मैंने कराया ये भी मैं बता दूंगा। ये देखो जो अंदर से बल्ब निकला था ना तीसरा, वो भी सेम है जो आपके पायलट लैंप में आ रहा था। तो जो इनकी इंटेंसिटी है ना वो बहुत ही घटिया है, और एक्चुअल रियल वर्ल्ड में है ना ये किसी काम के नहीं है। तो यस यहाँ पर भी गाड़ी, और इनकी सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँगा, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपकी कंपनी की लाइट इसमें काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि एकदम से चालू हो रही है, एकदम से वो बंद हो रही है लॉक एंड अनलॉक करने पे, वो भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये लाइट लग गई, ठीक है। अब सिर्फ वो कपलर भैया ने लगाया, अब ये अंदर ये लाइट फिक्स हो जाएगी इसमें, और बिल्कुल क्लीन नीट फिनिश यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर बंद तो नहीं कर सकते बिकॉज अपना डोर ओपन है, मेरे को गाड़ी से उतरना पड़ेगा। मैं लॉक एंड अनलॉक करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो ये देखो भाई मैं अभी लॉक किया गाड़ी, अब अनलॉक करूँगा। ये देखो लाइट ऑन हुई, वो एकदम स्लो इफेक्ट आता ना, धीरे से वो ऑन होती है और फिर पूरी ब्राइट होती है, और लॉक करने पे वो एकदम धीरे से वो बंद होगी। ऐसी ही होती है ना जब आप नई नई पंच ले, अगर आपके पास है आपने ऑन ऑफ़ करते होंगे तो ऐसी वो ऑन ऑफ होती है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगी, कुछ अलग इसका मैकेनिज़म नहीं होने वाला। ये देखो आपके सामने लॉक करूँगा, ये देखो धीरे धीरे वो बंद होगी। तो ये एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देता है, और आपकी DRLs, अभी मैंने अप्रोच लैंप्स ऑन किए हैं, देखो हेडलाइट के साथ वो DRLs जो आपकी यहाँ पे पायलट लैंप आ जाती है वो कैसी लग रही है, तो वो पूरा बेसिकली DRL वाला इफेक्ट दे रही है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कहाँ से मैंने कराया, नेहरूला आप नवी मुंबई आ सकते हो, मैंने जहाँ से कराया एकदम भरोसे वाला काम है। किरेट ऑटो देख सकते हो, गूगल पे सद्गुरु कार एक्सेसरीज डालोगे ना उसके बाजू वाली शॉप है, मैं नीचे लिंक आपको पिन कर दूंगा गूगल मैप की, आप खुद आ सकते हो। और आप यहाँ पर फ़र्क देखो ना भाई, पीछे तक लाइट जा रही है, और कितनी अच्छी रोशनी ये कैबिन में दे रही है आप खुद देख सकते हो। तो भाई देखो काफ़ी वर्थ है ये चीज़ कराना, एक तो अंदर की वो लाइट बिल्कुल काम की नहीं थी वो काफ़ी सही हो गई, और ये DRL वाला जो लुक आ रहा है, 250 रुपये में ये हो गया, अंदर 350 रुपये की लाइट हो गई, 100 रुपये लेबर चार्ज है, भरोसे वाला काम है, कोई पूरा कपलर टू कपलर है, कोई वायर कटिंग नहीं, आप भी करा सकते हो। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगा, छोटा सा एक वीडियो था, आगे भी और अपग्रेड कराऊंगा, हॉर्न वॉर्न को लेके समझो आपको कुछ कराना है। सो यस भाई, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में।